सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं उमरीश भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। जीआईएस 23 में दिखेगा यूपी इन्वेस्टर्स का दम। दिल्ली में भव्य कर्टन रेंजर प्रोग्राम की शुरुआत, दो पोर्टल्स का होगा उद्घाटन। लखनऊ में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, सिर गर्दन और सीने में लगी गोली। पिकनिक स्पॉट रोड पर देर रात हुई वारदात। हापुड़ के व्यापारी को लूटने वालों पर लगेगी गैंगस्टर। शेखा झील के पास व्यापारी से 7 अक्टूबर को हुई थी लूट। ना नहीं बनाने पर टीचर ने पीटकर दांत तोड़ा, नाक से भी ब्लीडिंग। पिता की तहरीर पर एसडीएम ने दिए हैं जांच के आदेश। तमंचे के बल पर दवा सप्लायर से लूटी बाइक नकदी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के बदमाशों ने युवक को किया लहूलुहान। खंबे से टकराकर पलटी कार, युवक की मौत। मेरठ में जीटीबी स्कूल के पास देर रात हुआ हादसा। आगरा के ताजमहल में नमाज को लेकर बवाल, कोर्ट जाएगा हिंदूवादी संगठन। सवाल उठा कि धार्मिक गतिविधियां बैन। तमिलनाडु के 216 अतिथियों का जत्था अयोध्या पहुंचा, ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से स्वागत किया, रामलला के आशीर्वाद। फरुखाबाद में की मैन की डीआरएम ने किया सम्मानित। 20 नवंबर को खुदागंज कमालगंज के बीच गश्त के समय टूटी मिली थी रेल प्लेट। कार्बन डेटिंग से हो सकता है संरचना को नुकसान। ज्ञावापी केस में एसआई ने हाईकोर्ट में कहा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग सही होगा। लखनऊ में एक्सिस बैंक मैनेजर पर रेप की एफआईआर। शादी का झांसा देकर गोरखपुर में होटल में बुलाया, विरोध पर दी धमकी। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति की गला दबाकर हत्या। 50 गज के मकान में 8 मेंबर, किसी को नहीं पता चला। नजदीकी पर हत्या का शक। मुरादाबाद में फलों से भरा ट्रक पलटने से रास्ता ब्लॉक। कगटर में पीतल नगरी डिपो में ठीक सामने हादसा, ट्रैफिक बंद वे होने से लगा जाम। चौकी से वर्दी चुराने वालों को पुलिस ने मारी गोली। कानपुर में दरोगा ने पकड़ा, टॉर्च किया था सोते वक्त उसे की वर्दी पिस्टल चुराई। पति की मौत पर भी नहीं बुलाया। सहारनपुर में 3 मासूम बेटियों के इंसाफ को भटक रही है मां। जेठ देवर पर हिंसा कब्जाने का आरोप। भूमाफिया यशपाल तोमर की जमीन को बेनामी संपत्ति किया घोषित, आयकर विभाग ने चिठेंडा, पहुंचकर जमीन पर लगाया बोर्ड। गोंडा की एक एजेंसी प्रोप्राइटर पर केस दर्ज। उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को लाभ देने में हिला हवाली करने पर हुई कार्रवाई। भूमाफियाओं के कब्जे से 27 करोड़ कीमत की मुक्त कराई। अखलाक नगर में जीएस की 25 बीघा जमीन पर हुए कब्जों पर गर्जा बुलडोजर। अलीगढ़ में पुलिस ने एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले गैंग को दबोचा है। मडराक थाना क्षेत्र में बीते दिनों मंदिर में हुई थी चोरी। बरेली मंडल में डेंगू मरीज 1200 पार। सर्वे में 520 घरों में लार्वा मिला। एक्सपर्ट के मुताबिक 10 दिसंबर तक डेंगू मच्छर एक्टिव रहता है।
गोंडा स्वास्थ्य विभाग की धीमी गति पर डीएम के तेवर। वित्त लेखाधिकारी कामेश्वर प्रसाद और लेखा प्रबंधक का रोका वेतन। विलंबित नर्स ने अपने पैसे की मंगाई थी इंजेक्शन। एसआरएन अस्पताल में जज की सास की बेडशीट ना बदलने पर निलंबित किए गए। रिटायर्ड आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की हत्या में आया नया मोड़। रायबरेली में 5 पुलिस टीम कर रही है मर्डर की तफ्तीश। कुलपति विनय पाठक की न्यायिक जांच की हुई मांग। गिरफ्तारी को लेकर दिया धरना। राज्यपाल को ज्ञापन देकर दर्ज कराए विरोध। गाजीपुर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। किसी सराफा व्यापारी की हत्या की थी, फिराक में थे। गोली लगने से बदमाश निखिल यादव जख्मी। कानपुर में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई। मायके पक्ष ने ससुरालजनों पर लगाया हत्या का आरोप। हरदोई में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के आपराधिक आफ्ताब के लिए मृत्युदंड की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में संदिग्ध कारणों से चलती कार में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। हरदोई में घर में घुसकर किसान की पीट पीट कर हत्या। दो बेटे भी हुए जख्मी। जमीन को लेकर किया गया था घटना को अंजाम। औरैया में एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बस। यात्री बस हादसे में आधा दर्जन सवारियां घायल। बुलंदशहर में आभूषण खरीदने पहुंची महिला ने चांदी की चार चूड़ियों पर किया हाथ साफ। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई महिला के कारनामे। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर अपराधी और पुलिस की हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, दूसरा अपराधी फरार। बुलंदशहर में किसानों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ धरने पर बैठे बाकियों कार्यकर्ता। मीटर उखाड़ने पर किसानों पर हुआ एफआईआर। गाजियाबाद में सफाई कर्मचारियों ने वाहन डिपो पर किया प्रदर्शन। नगर पालिका परिषद के कवर अभियंता पर लगाया मारपीट का आरोप। गोंडा में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादों को बताया हवा हवाई। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया है भाग। प्रतियोगिता कार्यक्रम के को विधायक सौरभ सिंह ने किया शुभारंभ। लखनऊ में स्मार्ट सिटी कार्यालय में हुई बैठक। बैठक में कई परियोजनाओं को लेकर की गई चर्चा। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा। खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। रायबरेली में पागल कुत्ते का आतंक। बच्चे सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल। बाजार से घर जाते समय बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। शाहजहांपुर में भाइयों में खूनी संघर्ष। संघर्ष में चचेरे भाई की पीट पीट कर हत्या। घटना से इलाके में सनसनी फैली। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में दबंगों ने लोडर चालक व क्लीनर को बेरहमी से पीटा। घटना
के बाद मचा हड़कंप, दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। लखनऊ के इंदिरानगर गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपी अंकुर को किया गिरफ्तार। औरैया में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा, हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। गोंडा में बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के मरीज, क्योंकि संख्या जिले में डेंगू के आंकड़े बढ़कर 137 पहुंचे, पीड़ितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। लखनऊ में तेज रफ्तार डिवाइडर से एक कार को टक्कर मार चढ़ी डिवाइडर के ऊपर, थाना हजरतगंज का मामला है ये। बुलंदशहर में दो बाइकों की हाईवे पर भिड़ंत, हादसे में एक शिक्षक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी में 6 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर, अयोध्या मिर्जापुर बस्ती मंडल के कमिश्नर बदले गए, नवदीप रिणवा मंडल आयुक्त अलीगढ़ बनाए गए। जीआईएस 23 में दिखेगा यूपी इन्वेस्टर्स का दम, दिल्ली में भव्य कटन रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत, दो पोर्टल्स का उद्घाटन। पीलीभीत में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन संवाद कार्यक्रम, बोली एमपी एमएलए नहीं गांव की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रधान आए आगे। शाहजहांपुर में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, कारोबार और बाइक खरीदने के लिए मांग कर रहा था रुपए, परेशान होकर मायके में रह रही थी महिला। बागपत में गला रेतकर युवक की हत्या, सड़क के किनारे फेंका शव, दो घंटे तक परिजनों ने किया हंगामा, पत्नी पर जताया शक। यातायात पुलिस ने पुष्प देकर वाहन चालकों को किया प्रोत्साहित, यातायात माह पर हुआ कार्यक्रम, कहा परिवार व रिश्तेदारों को हेलमेट पहनना चाहिए। बिजनौर में नाले में मिला युवक का शव, एक दिन पहले घर से लापता हो गया था, परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया है आरोप। अमेठी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, 19 वारंटी और 40 वांछित अभियुक्त चढ़े हैं पुलिस के हत्थे, देर रात पुलिस ने चलाया अभियान। आगरा में गैराज संचालक की हत्या, गैराज में पड़ा मिला लहूलुहान शव, हत्यारे ने सिर पर किए ताबड़तोड़ वार। मेरठ सेना में नौकरी के बहाने 16 लाख की ठगी, गाजियाबाद का युवक 4 महीने फौज में करता था फर्जी नौकरी, वेतन भी आया। फतेहपुर में पड़ोसियों ने व्यक्ति को जमकर पीटा, पैसा चोरी का आरोप पर बेटे को पीटा, समय लगा डंडा, 4 लोगों ने पिता को जमकर पीटा। योगी सरकार ने संभल को दी स्टेडियम की सौगात, क्रिकेटर रजत कुमार बोले युवा खिलाड़ियों को मिलेगा अच्छा प्लेटफॉर्म, निखार सकेंगे अपनी प्रतिभा। आजमगढ़ में बंद कमरे में कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन, प्रार्थना सभा के नाम पर महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है, पुलिस जांच में जुटी। विवाहिता की हत्या के आरोप में फंसे मायके के लोग, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, मायके वालों के खिलाफ जाकर की थी कोर्ट मैरिज। पच्चीस नवंबर को अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम, विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, डीएम ने बुलाई है अधिकारियों की बैठक। मुजफ्फरनगर में हादसे में कार सवार की मौत, कई घायल, ट्राले में घुसी कार, हरिद्वार से लोनी जाते समय हुआ हादसा।
भदोही में निकाय चुनाव की तैयारियां जारी, सातों निकाय में 44,350 नए मतदाता बढ़े। 258 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। मिर्जापुर के आमघाट रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, रेलवे और प्रदेश सरकार ने जनहित में उठाया कदम, 76 करोड़ आएगी लागत। सुल्तानपुर में जेसीबी मालिकों ने नहीं भरा 51 लाख टैक्स, परिवहन विभाग ने जारी की है आरसी, वन सीज व नीलामी करने का भी चलेगा अभियान। मऊ में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की मौत, जमकर चले हैं लाठी डंडे, पुलिस जांच में जुटी, काफी दिनों से चल रहा था विवाद। डंपर ने स्कूटी को मारी है टक्कर, किशोरी की मौत, गाजीपुर में दो बेटियों के साथ मायके जा रही थी महिला, दो की हालत गंभीर। हमीरपुर में तमंचे के दम पर नाबालिग लड़की का अपहरण, गांव के युवक पर अपहरण का आरोप लगा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुठभेड़ में भागे ललन पर 1 लाख का इनाम, ऑपरेशन पताल लोक जारी, अब शरणदाताओं की बारी, बिहार रवाना हुई वाराणसी पुलिस। औरैया में इज्जत के खातिर कर दी भाभी की चाकू से गोद कर हत्या, पुलिस ने आरोपी देवर को किया गिरफ्तार। आगरा में बड़ा हादसा होने से टला स्कूल की जर्जर बिल्डिंग ढही, जर्जर बिल्डिंग होने के कारण बच्चों को दूसरे स्कूल में किया गया शिफ्ट। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, बोले गाय भैंस पालने तभी शुद्ध घी मिलेगा, नहीं तो बाबा रामदेव का नकली घी ही खाना पड़ेगा। सरस्वती डीएम ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं की परखी जमीनी हकीकत, रक्तदान शिविर का आयोजन करने के दिए निर्देश। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, एयर एशिया के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया, उड़ान में लगातार देरी से भड़के यात्री। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं